पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने न्यायपालिका और धार्मिक प्राधिकरणों के बीच अकल्पनीय भाग्ययुक्त एक तिजोरी खोलने और अभी तक अछूते तिजोरी को खोलने की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भारत के केंद्र में स्थित मंदिर को देश के सबसे अमीर के रूप में बिल किया जाता है और कई हिंदू मंदिरों में से एक है जिसमें भारी मात्रा में सोना और कीमती रत्न है। कई वर्षों में भक्तों से पवित्र भेंट के माध्यम से धन जमा किया गया था। मंदिर में 6 कक्ष हैं, गर्भगृह के नीचे बहुत गहरे हैं, उनमें से 2 दैनिक अनुष्ठानों के दौरान 2 और हर 6 महीने में खुले हैं, शेष 2 गुप्त वॉल्ट स्रोत हैं, जो मंदिर में पाए गए प्राचीन सिक्कों के करीब है। अकेले कक्षों का वजन 600 किलोग्राम से अधिक था। लगभग 200,000 वस्तुओं का दस्तावेजीकरण किया गया था जिनमें से 600 कीमती रत्नों के साथ जड़े हुए थे। माना जाता है कि एकल लॉकेटलोन में 997 रत्न शामिल थे। इसके अलावा कीमती पत्थरों के हार, सोने के मुकुट और खाट भी सूची में शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि भारत के अनुसार कई बार संपत्ति में किए गए एक ऑडिट से पता चलता है कि सोने की एक बड़ी मात्रा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और 759 सोने के बर्तन और चांदी की छड़ें गायब हो गई हैं, जिनमें से कुछ का सुझाव है कि कक्ष के नीचे छिपी हुई सुरंगें हैं जो वास्तुकारों को कक्ष के दरवाजों को अंदर से बंद करने की अनुमति देती है जिससे इसे तोड़ना असंभव हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस गुप्त सुरंग ने बिना किसी को देखे खजाने को लूटने के कई वर्षों का नेतृत्व किया है। हालांकि भारतीय न्यायालय द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है कि तिजोरी से परे छिपे हुए आंतरिक कक्ष का अस्तित्व है जिसे ठोस सोने से बनी मोटी दीवारों के रूप में माना जाता है और यह वह जगह है जहां वास्तविक खजाना कहा जाता है। इसमें संभवतः दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा खोजा गया खजाना हो सकता है। न केवल मंदिर सोने से ढका हुआ है, ऐसा लगता है कि सामान भी भरा हुआ है। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र के एक विशेषज्ञ पैनल ने भी अफवाहों को खारिज कर दिया है कि द वॉल्ट है अरब से जुड़ी एक भूमिगत सुरंग। डॉक्टर एक जगकुमार वर्मा ने तहखाने के चारों ओर छोटी छोटी गुहाओं और नालियों का पता लगाया कि उन्हें महत्वहीन कक्ष मिला जो मंदिरों के सरकारी खजाने का हिस्सा नहीं है। पवित्र कक्ष में देवताओं की मूर्तियां हैं और कई अन्य कीमती सामान भी है जो प्रधान देवता की शक्ति को बढ़ाने के लिए है, जो सैकड़ों हीरे और पूरी तरह से सजी एक शुद्ध स्वर्ण सिंहासन था। कीमती पत्थरों का मतलब एक अतीत के विशालकाय को देखने के लिए होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 18 फीट होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कई अन्य बड़े कभी कभी विशाल और बहुत पुराने ठोस सोने के मुकुट, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों से जड़े हुए पाए गए थे। माना जाता है कि कीमती सामान कई हजार वर्षों से मंदिरों की गलती में जमा हो गए हैं। विभिन्न राजवंशों और राजाओं द्वारा देवताओं को दान दिया गया है। हम आपको तिजोरी बी में जो कुछ भी पाते हैं उस पर पोस्ट करते रहेंगे।